गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। मैं हिमांशु उपाध्याय, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। जैसा कि आपको याद होगा, कल सुबह जो हमने एक लेक्चर लिया था डाइस एंड क्यूब्स का, उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने चेक भी किया था, उसमें वॉइस में वाइब्रेशन आ रहा था, जिस वजह से आप लोगों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी के लिए हमने उसको ही अपलोडेड रखा है अपने चैनल पे। अगर हमें मौका मिला आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकते, अगर मुझे मौका लगा आगे तो मैं एक बार फिर से उसको दोबारा से ढंग से बना दूंगा। आई थिंक अब आप लोगों को साउंड की समस्या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इस पे मैंने आज दिन भर काम किया था। कल दिन भर मैंने इस पे काम किया था, तब जाकर के आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे टाइम हमारे पास कम होता जा रहा है। अभी तक हमने केवल दो ही टॉपिक कवर किए हैं। आज हम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉक्स को स्टार्ट करेंगे। ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में इससे रिगार्डिंग कम से कम हमारे पास में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलॉजिज्म के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम सिलॉजिज्म के लिए देख लेते हैं सिलॉजिज्म होता क्या है और किस किस के बीच के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखो, मैंने ये नोट्स खुद से प्रिपेयर किए हैं, कुछ मैंने नेट से लिए हैं, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा भी और क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा। लिखा हुआ है सिलॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड वेन डायग्राम। देखो, ये पूरी चीज मैं आपको समझाता हूँ सिलॉजिज्म क्या है। बेसिकली सिलॉजिज्म एक वेन डायग्राम का पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके बिना सिलॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? तो सिलॉजिज्म बेसिकली कॉम्बिनेशन है एक तो स्टेटमेंट्स का, और हमेशा ध्यान रखना जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देगा पेपर में, वो हमेशा ट्रू होंगे, उसे आप गलत नहीं मान सकते। ठीक है, तो सिलॉक्स किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? सिलॉक्स कॉम्बिनेशन है स्टेटमेंट का और वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या होते हैं, यहां मैंने मेंशन किया है। सर्कल फॉर्म के डायग्रामों को क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम। वेन का मतलब भी होता है सर्कुलर, मतलब गोलाकार आकृति के इस तरीके के स्टेटमेंट्स होंगे, उसको हमें इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो जैसे ये एक सम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ सर्कल वन जो है वो सर्कल टू के साथ सम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ वेन डायग्राम होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सिलॉजिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट हिंदी में जिसे एग्जाम में क्या भी लिखा जाएगा, कथन भी लिखा जाएगा। तो स्टेटमेंट होता क्या है? तो स्टेटमेंट होता है टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। इसकी हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट मतलब कथन के प्रकार जो होते हैं वो, प्लस एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व किसे बोलते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम में सिलॉक्स के जब क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ऑल ए आर बी, लिख दिया। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं, तो कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? ऑल टाइप का स्टेटमेंट, मतलब इसमें सभी की बात की जा रही है। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या हो गया? ऑल हो गया। और यहाँ एलिमेंट्स क्या क्या यूज किए जा रहे हैं? ए और बी। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। देखो, एलिमेंट्स मैं यहाँ पे मैंशन कर देता हूं, एलिमेंट्स ए और बी यहाँ पे है। तो एलिमेंट्स अल्फाबेट तो हो ही सकते हैं, एलिमेंट अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट अल्फाबेट्स के और नंबर के साथ साथ में सिंबल भी हो सकते हैं, और ये किसी का नेम भी हो सकता है, किसी प्लेस का नेम या किसी व्यक्ति का नेम या कुछ भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज एलिमेंट बनके आ सकती है। लेकिन हमारे पास टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो होता है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास फिक्स होते हैं कि ये जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट होंगे ये इससे ज्यादा नहीं होंगे। टाइप ऑफ स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखें। पहला टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास में होता है पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और दूसरा टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास में होता है नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट। देखो, सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन कैसे होंगे? जो पॉजिटिविटी बताएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट में पहला क्या बोला हमने? ऑल। जब हम ऑल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी। जब हम ऑल की बात करते हैं, तो ऑल के केस के अंदर हमारे पास में क्या होता है? ऑल के केस के अंदर सभी चीजें एक ही जगह पे आ जाती हैं। जैसे मैंने बोला सभी बच्चे क्लास में हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इन दी क्लास, इसका मतलब क्या हुआ? मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? सम, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं? कुछ।
तो सम मतलब क्या हुआ कि अब सभी बच्चे क्लास में नहीं, नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सम स्टूडेंट आर इन द क्लास। और इसका मतलब क्या निकलता है कि कुछ बच्चे क्लास में हैं, इसके दो मतलब निकल सकते हैं, हम दो कंडीशन में सम स्टूडेंट आर इन द क्लास बोल सकते हैं। एक तो ये कि भैया अगर कुछ बच्चे क्लास में हैं तो इसका दूसरा मतलब क्या निकल सकता है कि कुछ बच्चे क्लास में ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना, डेफिनेटली नहीं पता, ठीक है। और एक अगर हमने बोला कि कुछ बच्चे क्लास में हैं तो एक संभावना ये भी बन सकती है कि हैं तो सारे ही क्लास में, लेकिन हम इंडिकेट कितनों को कर रहे हैं, कुछ को कर रहे हैं, इसलिए एक पॉसिबिलिटी किसकी भी बन सकती है, ऑल की भी। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है हमारे इस टॉपिक में, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, या हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव भी दो तरीके के होते हैं, ऑल और सम। अच्छा, ऑल जिसको सभी बोलते हैं उसको किस से इस्तेमाल करते हैं, क्या एब्रीवेशन, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, तो ऑल का क्या उठा लो, ए उठा लो। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑल का जो एब्रीवेशन है वो किससे यूज किया जाता है, तो ऑल का एब्रीवेशन ए से यूज होता है। सम को किससे यूज करते हैं, तो सम का जो एब्रीवेशन यूज होता है वो किससे होता है, वो आई से होता है। यहां तक बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट की जब मैं बात करता हूं तो नकारात्मक कथन में क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। जैसे मैं क्या बोलूं कि नो स्टूडेंट इज इन द क्लास, कोई भी बच्चा क्लास में नहीं है, तो कोई नहीं है मतलब नो आ गया। और अब जब कोई भी बच्चा क्लास में नहीं है इसका मतलब क्लास क्या है, खाली है, एम्प्टी है। और एम्प्टी का क्या ले लो, ई ले लो, इसका मतलब नो का सिंबल क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ई फॉर एम्प्टी, ठीक है। और दूसरा क्या बना, सम नॉट, कि अब की बार हमने क्या बोल दिया कि कुछ बच्चे क्लास में नहीं, कुछ बच्चे क्लास में नहीं है, इसके भी दो मतलब निकलते हैं। यदि मैं बोल रहा हूं कुछ बच्चे क्लास में नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है, तभी तो हम बोल रहे हैं कुछ बच्चे क्लास में नहीं है। और दूसरा मतलब क्या निकल सकता है, कुछ बच्चे क्लास में नहीं है मतलब कोई भी नहीं था, लेकिन हमें कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चों की जरूरत थी, वो भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, और हमें जिन पर्टिकुलर बच्चों की जरूरत थी जो क्लास में नहीं होने चाहिए थे वो भी नहीं थे, मतलब नो का भी इंडिकेशन है ये एक तरीके से। जैसे ये ऑल का इंडिकेशन है, वैसे ये एक तरीके से नो का इंडिकेशन है, ठीक है। और सम नॉट का एब्रीवेशन ओ क्यों आया, क्योंकि देखो यहां दो दो बार ओ का यूज हो रहा है, नॉट में भी ओ का यूज हो रहा है और सम में भी नो का यूज हो रहा है, दिख रहा है आपको यहां पे, इसलिए हमने इसका एब्रीवेशन क्या रख दिया, ओ रख दिया। आई थिंक यहां तक सबको बातें क्लियर होंगी, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार। यहाँ पे सिलॉग जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है स्टेटमेंट और वेन डायग्राम का। स्टेटमेंट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट और एलिमेंट से। एलिमेंट जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फाबेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आता है ऑल और सम, और नेगेटिव में आता है नो और सम नॉट। यहां तक बातें क्लियर हैं, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहां पे देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। इतना मैंने समझाने के बाद एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि हमें चीजें पता लगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं ये सारे वेन डायग्राम आपको बना के बताऊंगा, लेकिन इतना आप जानते हो इसलिए मैंने ये ले लिया। देखो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है हमें ऑल राम। देखो क्या आ गया यहाँ पे, नाम आ गया किसी का, ऑल राम आर ऑफिसर, ऑफिसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमने नेम से रिलेट कर दिया, सभी राम अफसर हैं, ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बता भी दिया है आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो ऑल जिसको हम सभी बोलते हैं ये क्या है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। और ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। और यहां पे अगर आप देखोगे तो राम, और देखो दूसरा मैंने किसको लिया है, अफसर। राम और जो अफसर है ये दोनों क्या आ रहे हैं मेरे पास में, ये दोनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब बात अगर मैं यहां करूं इसकी तो यहां पे मुझे साफ दिख रहा है, मैंने लिखा है ऑल राम आर ऑफिसर लिखा है, तो ऑल राम सारे राम ऑफिसर हैं। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम, ये होते हैं वेन डायग्राम सर्कुलर फॉर्म में, वो वेन डायग्राम कहलाते हैं जो दिए हुए स्टेटमेंट को 100% क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। 100% का मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना जरूरी है, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। क्या बोला, सभी राम ऑफिसर हैं, तो देखो हमने सभी राम को किसके अंदर रख लिया, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल राम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और बड़ा वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिसर को, तो सभी राम क्या है हमारे पास, ऑफिसर हैं। ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके कुछ अल्टरनेट डायग्राम भी होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैं एक ही सर्कल बनाऊं और उसी सर्कल में राम भी लिख दूं और उसी सर्कल में ऑफिसर भी लिख दूं, बना सकता हूं ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये एक अल्टरनेट डायग्राम है, ये इसको 100% नहीं कर रहा क्योंकि सभी राम ऑफिसर हैं, ये हमें नहीं पता कि सभी ऑफिसर भी राम है या नहीं, इसलिए ये वाला डायग्राम अल्टरनेट हो सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो हम बेसिक डायग्राम क्या बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे जब भी ऑल का केस हमारे पास में होगा। आगे चलते हैं, किसका केस दिख रहा है, सम का। देखो मैंने एक एक करके सारे केसेस कंसीडर किए हैं आपके साथ, पहले मैं ऑल का केस ले रहा था, अब मैं सम का केस ले रहा हूं। क्या आ गया सम के केस में, सम पेन आर पेपर, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या और एलिमेंट क्या, ठीक है। तो कुछ पेन क्या है, पेपर है। अब सम की बात की जा रही है मतलब कुछ पेन का रिलेशन किसके साथ है, पेपर के साथ है, सभी का नहीं है, किससे कितने का है, कुछ का है। तो देखो हमने डायग्राम किसका बनाया कि पेन का, हमने एक सर्कल बना दिया जो पूरा की पूरा पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसका सर्कल बना दिया, पेपर का सर्कल बना दिया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपर को। और ये कुछ पोर्शन जो यहाँ पे है मेरे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाला सेक्शन जिसमें कौन है, पेन भी है और जिसमें कौन भी है, पेपर भी है। तो ये सेक्शन हमारे पास में सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ये डायग्राम कैसा डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया 100% ट्रू डायग्राम हो गया। आई थिंक यहां तक सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। हमने ऑल और सम कर लिया, और ये दोनों ही किस तरीके के हैं, देखो मैंने यहां मेंशन कर दिया, ये दोनों ही किस तरीके के डायग्राम है, ये दोनों ही पॉजिटिव टाइप के स्टेटमेंट है। अब हम आगे आते हैं थर्ड और फोर्थ, और जब मैं थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा हूं तो देखो थर्ड और फोर्थ दोनों ही, अगर वो दोनों पॉजिटिव थे तो थर्ड और फोर्थ दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए नो का देखते हैं, नो कैप इज बैग, कोई भी कप क्या नहीं है, मग नहीं है, या इसको मैंने मग लिख दिया है, ये क्या लिखा है, बैग लिखा है, तो या तो इसको मग कर लेना या इसको बैग कर लेना, ठीक है। कोई भी कप क्या नहीं है, बैग नहीं है, ठीक है। तो नो कप इज बैग, तो कोई भी कप बैग नहीं है, तो रिलेशन किसका आ गया, नो का। तो नो का रिलेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर ये सर्कल कप का है तो ये सर्कल कभी भी इस वाले सर्कल के साथ टच या फिर इंटरसेक्ट या फिर ओवरलैप नहीं करेगा, तो हमने बीच में क्रॉस लगा दिया। ये मैं आपको बेसिक डायग्राम बता रहा हूं, ठीक है, जो आप क्वेश्चन करते टाइम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, सम वॉटर आर नॉट प्योर, इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ पानी साफ नहीं है, सम वॉटर आर नॉट प्योर, कुछ पानी साफ नहीं है। तो देखो हमने पानी का एक डायग्राम बनाया, इसी को मैं दोबारा से नीचे बना के दिखा देता हूं। हमने पानी का एक सर्कल बनाया बड़ा सारा, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पानी का एक सर्कल बनाया और हमने उसका एक छोटा सा सेक्शन उठा लिया, वो छोटा सा सेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा अब, क्योंकि पूरे को तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने क्या बोला है, कुछ पानी साफ नहीं है, तो ये वो वाले कुछ पानी है जो क्या नहीं है, साफ नहीं है, मतलब प्योर नहीं है। बात समझ में आ रही है यहां तक, यहां तक इसको बात क्लियर है, सम वॉटर आर नॉट प्योर। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये जितने भी हमने डायग्राम देखे हैं, चारों डायग्राम, ये चारों की चारों डायग्राम हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस सेक्शन में फिर से बना के यहाँ दिखा देता हूं। जब हम बात करेंगे किसकी, ऑल की, तो ऑल के केस में जो भी डायग्राम बनेगा वो बेसिक डायग्राम ये बनेगा। यदि ये सर्कल वन है और ये सर्कल टू है तो हम क्या स्टेटमेंट बोलेंगे, ऑल वन आर टू। जब मैं बात करूंगा किसकी, सम की, तो सम के केस में यही वन और टू का रिलेशन कैसे हो जाएगा, यदि ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वन को तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टू को, तो ये कौन सा सेक्शन होगा सम का, ये वाला जिसमें कुछ वन क्या है, टू। यदि मैं बात कर रहा हूं नो की, तो नो के केस के अंदर क्या होगा, सर्कल नंबर वन और सर्कल नंबर टू दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते और कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। और जब मैं बात करूंगा सम नॉट की, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो सम नॉट का बेसिक डायग्राम आपको जो बना रहा हूं यही बनाना है, तभी आप चीजें क्लियर रख पाओगे। अगर ये सर्कल वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वन और टू के बीच में ये वाले जो वन है ये क्या नहीं हो सकते, टू। ऐसा कब लिखेंगे, जब सम वन आर नॉट टू होगा।
अगर सम टू आर नॉट वन हुआ तो क्या बनाओगे, अगर सम टू आर नॉट वन हुआ तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, सम टू आर नॉट वन। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास में, देखो हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए केवल इसीलिए कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट की। तो कितने टाइप के स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ होते हैं, दो तरीके के स्टेटमेंट, होने को तो चार भी हो सकते हैं लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर जो एफसीआई का एग्जाम आएगा उसके अंदर हमारे पास में इंडिविजुअली दो ही तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं, या तो दो टू डबल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट में क्या होगा दो ही स्टेटमेंट देगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर, ट्रिपल स्टेटमेंट में क्या होगा केवल तीन ही स्टेटमेंट देगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं देगा। बनने को फोर स्टेटमेंट भी बन सकते हैं, फाइव भी बन सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली डबल और ट्रिपल से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। बताऊंगा क्या है डबल और ट्रिपल। अच्छा, नोट में हमने यहाँ क्या मेंशन किया है कि कंसीडरिंग द स्टेटमेंट एज ट्रू, अभी अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चनर या फिर एग्जामिनर आपको जब भी पेपर के अंदर स्टेटमेंट देगा तो उसे हमेशा आपको कैसा मान के चलना है, कंसीडरिंग द स्टेटमेंट एज ट्रू, उसे 100% ट्रू मान के चलना है, उसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। गलती निकालने के लिए वो आपको क्या देगा, वो आपको कंक्लूजन देगा, उसमें निकालो आप, उसमें बताओ कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो द कंक्लूजन इज चेक्ड, हम चेक किसको करते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्षों को हम चेक करते हैं, हम कभी भी कथन को चेक नहीं करते। कथन जो उसने दिया है उसी के रिगार्डिंग आपको वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम बना के किसको चेक करना है, वेन डायग्राम बना के आपको निष्कर्षों को मतलब कि कंक्लूजन्स को चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरी, चलिए आगे चलते हैं। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो देखो डबल स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो डबल स्टेटमेंट के ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। यदि मैं डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, क्वेश्चन नंबर वन, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट नंबर वन हो गया, डबल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना, और ये स्टेटमेंट नंबर टू हो गया, तो टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है, पहले मैं एक एक बनाता हूं। All A are B, सभी A क्या है, B है, देखिए बना रखा है हमने all A are B, ठीक है, सभी A किसके अंदर है, B के अंदर। तो मेरा पहला स्टेटमेंट मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल सही बनाया है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो सम B आर C, तो ये देखो B तो हमें दिख ही रहा है, ये रहा B, अच्छा, और सम B आर C, तो ये C दिख रहा है, लेकिन इनका रिलेशन हमने कैसा बनाया, सम का बनाया, हमने पूरा कनेक्ट नहीं किया, हमने केवल इतना सा पोर्शन लिया और केवल इतने से पोर्शन के B और C क्या है, कॉमन है, बाकी के हमें है या नहीं पता नहीं है, लेकिन हाँ ये सारे के सारे A जरूर किसके अंदर है, B के अंदर है। ये एग्जामिनर देगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसका चुपचाप से ये वेन डायग्राम बना देना है। चेक क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो वो आपको तीन कंक्लूजन देगा और तीनों कंक्लूजन आपको चेक करने हैं। सबसे पहला कंक्लूजन सम ए आर सी, क्या दिया हुआ है, सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। अगर कुछ ए सी हैं तो जरा मुझे देख के बताना इस डायग्राम में, क्या मैं कुछ ए सी डेफिनेटली पूछ रहा है, उसने संभावना की बात नहीं की है यहां, उसने क्या बोल दिया कंक्लूजन के अंदर कि कुछ ए सी हैं, क्या इस डायग्राम में आपको कुछ ए सी दिखाई दे रहे हैं, नहीं। हम बना सकते हैं वो बात अलग है, मैं थोड़ा सी को इधर ले लूं, इस साइड थोड़ा सा सी सरका दूं और थोड़ा सा ए इस साइड सरका दूं तो ये टच जरूर हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर देगा, लेकिन वो एक संभावना है। लेकिन यदि मैं मेरे इस बेसिक डायग्राम से देखूं तो क्या मेरे इस बेसिक डायग्राम से मैं देख पा रहा हूं कि ए और सी कनेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली ये लिखी हुई चीज जो है वो निश्चित रूप से बता रहा है कि क्या ये निश्चित है कि कुछ ए सी हमेशा होंगे, तो हमेशा तो नहीं होंगे, पहला गलत हो गया। दूसरा ये भी निश्चित ही पूछ रहा है आपसे कि क्या सम बी आर ए, तो देखो क्या कुछ बी ए हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये ए तो बी के अंदर ही है ना, तो ए जो बी के अंदर है तो इस वाले पार्ट में तो ए भी हैं और इस वाले पार्ट में कौन भी हैं, बी भी हैं, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, ये तो ए के अंदर आ रहा है, ए और बी दोनों है इसमें, क्यों, क्योंकि बी जो है यहां पर बड़ा सर्किल है और ए छोटा है, तो इसमें ए बी अगर दोनों है तो कुछ ये वाले बी तो ए हुए ही ना, इसका मतलब ये कैसा राइट है, ये डेफिनेट राइट है, इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता, ये हमेशा ट्रू होगा। अच्छा, एक दिया है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, यही वाले इसी वाले सेक्शन में कुछ ए बी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ये भी क्या हो गया, सही। और चौथा कंक्लूजन मैं आपको देता हूं, मुझे बताना क्या ये कंक्लूजन सही है। तो चौथा कंक्लूजन हमारे पास में क्या है, ऑल
बी आर ए सभी भी ए हैं, क्या ये डेफिनेट ट्रू होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस वाले सेक्शन के जो बाहर वाले बी हैं, क्या ये आपको ए दिख रहे हैं? और अगर नहीं दिख रहे तो सारे बी कहां ए हुए? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी आई थिंक सबको। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और इसके बारे में कंक्लूजन यहाँ है, तो मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम एक आपको यहां बना के दिखा देता हूं, इसलिए मैंने ये गैप दिया आपको। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट वापस दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमें, ये वाला, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये वाला, बना के देखते हैं। सम राम आर मैन, ये राम हो गए और सम राम आर क्या है? मैन। तो ये क्या हो गए हमारे पास में? मैन हो गए। थोड़ा सा इसको अंदर कर लेना, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है जो कॉमन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको आगे कर लो। ये जो सेक्शन है इसमें क्या है? राम भी है और इस वाले सेक्शन में कौन भी है? मैन भी है। क्लियर है? सम राम आर मैन बना दिया मैंने, और नो मैन इज वोमैन। तो नो का मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब नो का केस आएगा तो इस तरीके से सीधे हम कट लगा देंगे, तो नो मैन इज वोमैन। ये डायग्राम बनना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं क्या ये डायग्राम हमारे पास में बन रहा है। ये देखिए ये बन रहा हमारे पास में, ये डायग्राम दिख रहा है। इस वाले डायग्राम के अंदर सम राम आर मैन हो गए और नो मैन इज वोमैन हो गया। समझ में आ गई बात? ये बेसिक डायग्राम है। अब इससे आपको इन कंक्लूजन्स को चेक करना है। मैं कंक्लूजन नंबर वन की बात करता हूं, लिखा हुआ है सम राम आर नॉट वोमैन। क्या लिखा है? सम राम आर नॉट वोमैन, इसका मतलब हुआ कुछ राम वोमैन नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ है कुछ राम वोमैन नहीं है, तो जरा चेक करना ये वाला जो सेक्शन मेरे पास में है जिसमें राम और मैन दोनों आ रहे हैं, दिख रहा है? इसमें राम भी है और मैन भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुछ कॉमन है राम और मैन, और राम और मैन कुछ कॉमन है, और कोई भी मैन क्या नहीं है? वोमैन नहीं है। इसका मतलब इस सेक्शन में आने वाले जो राम होंगे वो भी क्या नहीं होंगे? वोमैन नहीं होंगे। इसका मतलब दी हुई बात पूरी तरीके से सच है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस सेक्शन में आने वाले राम वोमैन के अंदर चले जाएं, नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हो गया? सम राम आर नॉट वोमैन डेफिनेट ट्रू हो गया। ठीक है, एग्जाम में क्या लिखेगा वो? Which of the following conclusion is or are definite true? ठीक है, सेकेंड देखो, some men are not women, कुछ men क्या नहीं है? Women नहीं है। कुछ men क्या नहीं है? Women, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था no man is woman, लिखा हुआ था ना, तो जब कोई भी मैन वोमैन नहीं है तो ये तो सीधी सी बात है ना, जब क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है तो कुछ बच्चे भी क्लास में नहीं होंगे। इसका मतलब जब कोई भी मैन वोमैन नहीं है तो कुछ मैन भी क्या नहीं है? वोमैन नहीं है। इसकी संभावना की तो बात ही नहीं आती, ये तो पूरी तरीके से सच बात है। तीसरी देखते हैं, लिखा हुआ है सम वोमेन आर नॉट मैन। अरे अभी अभी बात करी ना हमने, जब मैन और वोमेन आपस में नो का ही रिलेशन रख रहे हैं तो फिर क्या कुछ मैन और क्या कुछ वोमेन दोनों ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही हो गया। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 1, 2, 3 कंक्लूजन आर ट्रू, ये भी लिख सकता हूं, या डेफिनेट ट्रू, या मैं ये भी लिख सकता हूं ऑल कंक्लूजन्स आर, ऑल कंक्लूजन्स आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। समझ में आ रही बात? चलिए यहां तक तो हमने ये बात कर ली अपने क्वेश्चन की, उसके साथ में टाइप ऑफ स्टेटमेंट की और बेसिक डायग्राम की। अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एक नोट हमने लिया है, वो नोट क्या लिया है देखो, नोट है हमारे पास कि क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा। याद करो स्टार्टिंग में हमने अभी शुरू शुरू में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यदि ऑल है, यदि ऑल है तो सम होगा ही होगा, पढ़ा था ना, देखो इसलिए मैंने यहाँ राइट लगाया हुआ है। समझ में आ रही है? मैं दोबारा से यहां पे दिखा देता हूं आपको क्या हुआ यहां पे। यदि ऑल है तो सम होगा ही होगा, ये सही हो गया। यदि नो है तो सम नॉट होगा ही होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। यदि सम है तो क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ऑल होगा? नहीं, डेफिनेटली तो नहीं बोल सकता। किसकी बात कर सकता हूं? पॉसिबिलिटी की बात जरूर कर सकता हूं।
ठीक है, यदि सम नॉट है तो क्या मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि नो होगा ही होगा? नहीं, लेकिन मैं किसकी बात कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर सकता हूं। अब कुछ चीजें नहीं आ रही हैं इस वाले सेक्शन में, कुछ चीज नहीं है, देखना समझना अच्छे से। यदि मैं बोलता हूं ऑल, जब सारे ही बच्चे क्लास के अंदर आ गए, तो क्या ये वाली चीज ट्रू हो सकती है कि कुछ बच्चे क्लास में नहीं है? कभी नहीं हो सकती। जब सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं तो कुछ बच्चे क्लास में नहीं है कि तो संभावना भी नहीं है। इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, यहां से यहाँ का रिलेशन गलत। यदि स्टेटमेंट में ऑल दिया हुआ है और कंक्लूजन में सम नॉट दिया हुआ है, तो ये सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या इसका उल्टा, स्टेटमेंट में सम नॉट दिया हुआ है और कंक्लूजन में ऑल दिया हुआ है, तो ये ऑल क्या हो जाएगा, गलत। हमेशा कंक्लूजन ही चेक होगा। तो जब ये रिलेशन ऐसे है, तो ये रिलेशन ऐसे भी तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है तो क्या कुछ होंगे, बिल्कुल नहीं। या फिर क्लास में कुछ बच्चे हैं तो कोई भी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ऑल और नो तो आप जानते हो, ये तो आपस में कभी भी सही नहीं हो सकता। यदि सभी आ गया तो नो नहीं आएगा, और अगर नो आ गया तो सभी नहीं आएगा। थोड़ा सा फास्ट चलो, रिवाइंड करके फिर से देख लेना, नहीं समझ में आया हो फिर से देख लेना, लेकिन ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाकी अभी इस एग्जाम्पल में आपको ये चीज क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलो स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट नंबर वन की यदि मैं बात करूं, तो स्टेटमेंट नंबर वन और टू, टू स्टेटमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हमारे पास थ्री के नहीं आए हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स क्या है, वाई, दिख रहा होगा आई थिंक, सभी एक्स क्या है, वाई। सम वाई आर जेड, सम वाई में से ये वाला मैंने सम पोर्शन ले लिया, सम वाई आर जेड, मतलब इस वाले सेक्शन के अंदर वाई और जेड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और इस वाले में एक्स भी है और वाई भी है, ये मान के चलो। ठीक है, तभी हमारा दिमाग काम करेगा। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या दिया है, सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, देखो दिख गया ना, इसलिए मैंने कहा था दिमाग में सेट करके चलो। कुछ एक्स और वाई कॉमन है, बिल्कुल। ऑल वाई आर जेड, अब देखो ऑल वाई आर जेड, हमें स्टेटमेंट में क्या दिया था, सम वाई आर जेड, मैंने क्या कहा था, सम से ऑल पे जाने की क्या राइट होती है, पॉसिबिलिटी, वो चीज डेफिनेट राइट नहीं होती। और यहां पे कैसी लिखी हुई है, निश्चित रूप में लिखी हुई है, मतलब डेफिनेट फॉर्म में पूछ रहा है ऑल वाई आर जेड। अरे इस डायग्राम में हम सम की बात कर रहे हैं ना, तो ऑल हो सकता है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, एक संभावना बन सकती है, तो ये क्या हो गया, गलत। नो जेड इज वाई, कोई भी जेड क्या नहीं है, वाई नहीं है। अरे कोई भी जेड वाई नहीं है, ये तो पूरी तरीके से बात गलत हो गई, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, सम वाई आर जेड, आया याद, सम जब है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में नो क्या हो जाता है, गलत। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ताकि आप ऐसे देखें, देख करके ही आंसर लगा दें कि अरे डायग्राम की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैंने देख करके आंसर लगा दिया। बात समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास में ओनली फर्स्ट इज डेफिनेटली ट्रू, ये हो गया हमारे पास में आंसर। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये मैंने आपको बता दिए, अब देखो ये क्या है, मैं आपको ऊपर लिख देता हूं यहां ये क्या चीज है। ये जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम कहलाते हैं पॉसिबल डायग्राम। अभी तक हम जितने डायग्राम बना रहे थे वो बेसिक थे, वो आपको बनाने ही बनाने हैं, लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी वाले केस के ऊपर आएंगे ना बाद में, सिलोजिज्म में डेफिनेट कोई कंक्लूजन भी पूछे जाते हैं और पॉसिबल भी पूछे जाते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर यदि मैं ये लिख देता, यहाँ पे जो मेरे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि मैं ये लिख देता ऑल वाई आर जेड, इसी को मैं चौथे नंबर पर पॉइंट बना देता हूं और ऐसे लिख देता हूं ऑल वाई आर जेड इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं ये लिख देता ना कंक्लूजन में, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाता, ये ट्रू हो जाता, क्योंकि ऑल वाई जेड होने की संभावना है, मैंने बताया था ना आपको। तो इसीलिए पॉसिबल केस पढ़ने आपको जरूरी हैं। देखो जैसे पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं, जब स्टेटमेंट ऑल का होता है, ऑल एज आर बीज, मतलब ऑल ए आर बी का केस होता है, तो उसको दो तरीके से बनाया जाता है। ये वाला जो डायग्राम है ऑल ए आर बी का, ये तो बेसिक डायग्राम है, ये तो बनेगा ही बनेगा, हर टाइम पे यही बनेगा बेसिक डायग्राम में, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये अल्टरनेट डायग्राम है, मतलब ये पॉसिबल डायग्राम है जो आप बना सकते हो, जो मैंने आपको बना के बताया भी था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसी सर्कल में ए भी है और इसी सर्कल में बी भी है, तो ऑल तो आई गया ना, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, ये एक पॉसिबल है। ऐसे ही नो का केस देखो, नो के केस में केवल एक ही डायग्राम बनेगा,
कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी, इसके अलावा और कोई डायग्राम आप बना ही नहीं सकते इसका, ठीक है। अगला केस किसका हो गया, सम का हो गया। तो सम के केस में चार पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। एक तो बेसिक होगा, बेसिक कौन सा होगा, ये वाला, जिसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में, सम ए आर बी आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक डायग्राम, बी डी लिख देता हूं उसको मैं। और ये तीनों क्या है, पीडी पॉसिबल डायग्राम। ये भी क्या है, पीडी पॉसिबल डायग्राम, और ये भी क्या है, पीडी पॉसिबल डायग्राम। क्यों, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कुछ ए भी हैं। तो अगर मैं ये वाला डायग्राम बना दूं कि सारे ए बी के अंदर है, तो कुछ ए भी हैं, ये तो डेफिनेटली हो ही गया ना, ये वाली चीज तो राइट कर ही देगा। ये इसको ओवरलैप कर दूं तब भी ये समको वाले को तो राइट कर ही देगा, क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों है। या मैं इसका उल्टा बना दूं कि सारे बी ए के अंदर हैं, तब भी ये डायग्राम किसको राइट कर देगा, सम ए आर बी को राइट कर देगा। तो ये तीनों डायग्राम जो हैं, ये इधर से इधर तक आपको तीनों डायग्राम दिख रहे हैं, ये तीनों डायग्राम संभावित डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम है, ये बेसिक डायग्राम नहीं है। बेसिक डायग्राम आपका यही है, लेकिन ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे सम का बना, वैसे ही हम किसका बनाते हैं, सम नॉट का। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो देखो, कुछ ए बी नहीं है का जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो हम बेसिक डायग्राम तो क्या बनाते हैं, बताया था मैंने आपको, सम ए आर नॉट बी, ये बनाया था। ये तो बेसिक डायग्राम हो गया, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, ये तो बनाना ही बनाना है। पॉसिबिलिटी में क्या क्या बन सकता है, जब कुछ ए बी नहीं है तो हमने क्या कहा था, कुछ ए बी हो भी सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉसिबल डायग्राम। ध्यान है, ऊपर हमने बात करी थी, जब कुछ ए बी नहीं है तो उसकी दो संभावनाएं निकलती हैं, या तो कुछ ए बी होंगे बचे हुए, या फिर कोई भी नहीं होगा। तो एक तो कुछ बचे हुए हैं, ये वाला डायग्राम बना दिया हमने, और एक दूसरा डायग्राम ये बना दिया कि कुछ बचे हुए नहीं है, मतलब नो, जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए तो डेफिनेटली बी नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला डायग्राम क्यों बनाया, जरा सोच के मुझे बताओ, हमने क्या बोला, कुछ ए बी नहीं है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, इसके अंदर कौन भी है, ए, लेकिन क्या इन बाहर वाले ए वाले सेक्शन में, जो बाहर का ए का सेक्शन है, इसमें बी है क्या, नहीं है ना। तो क्या आ गया, सम, कौन से वाले सम, ये वाले सम, सम ए, ये वाले ए, आर नॉट बी क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप पॉज करके इनको बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हीं डायग्राम्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो ऑल लिख के ही नहीं देगा आपको स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट में सम लिख के ही नहीं देगा आपको, वो ऑल नॉट मतलब नो लिख के ही नहीं देगा आपको, और वो पॉसिबिलिटी तो खैर अलग बात हो गई, ये लिख के ही नहीं देगा, इनकी जगह ये चीजें लिख के दे देगा। तो इन्हें उतार लो, इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कभी कभी एग्जामिनर ऑल की जगह ईच लिख के दे देता है। ईच का यूज कैसे करता है, देखो यहां बताता हूं मैं आपको, ईच का यूज वो कुछ इस तरीके से करेगा, ईच ए आर बी, जब भी वो ये लिखे ना, ईच ए आर बी, तो समझ जाओ ईच मतलब हर एक, और जब हर एक ए बी है तो डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। एवरी, आपको पता ही है इंग्लिश थोड़ी बहुत हम पढ़ते हैं, तो ईच और एवरी में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरी, इसमें ये भी वही चीज है, 100%, ये भी हमें पता है 100%, ऑलमोस्ट और ऑलवेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहते हैं यार ऑलमोस्ट बोला है ना, तो ये तो सम में होना चाहिए, नहीं, जब वो बोलता है ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, तो इसका मतलब ही ये होता है कि सभी। तो इसको नोट करके लिख लेना, ऑलमोस्ट आए या ऑलवेज आए, हमेशा ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां हम गलती कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे अभी अपन। और एनी तो आप जानते ही हो, जब हर एक की मैं बात करता हूं, एनी एनी ए आर बी, एनी एनी मैं कब बोलूंगा, जब वो ऑलरेडी बी के अंदर बैठे होंगे, तभी तो मैं किसी भी ए को उठा के बी बोलूंगा, एनी मतलब कोई भी, तो कोई भी ए बी कब होगा, जब वो सारे के सारे किसके अंदर बैठे होंगे, बी के अंदर। ओनली होता तो ऑल ही है, ओनली होता तो ऑल ही है, लेकिन ओनली थोड़ा सा अलग होता है, कैसे अलग होता है, देखो जब भी मेरे स्टेटमेंट के अंदर मैं ओनली लिखता हूं, ओनली ए आर बी, तो ये डायग्राम तो ऑल का बनाएगा, लेकिन इसका जो सेंस निकल के आता है ना, वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। जब आप ओनली की जगह ऑल लिखोगे ना, तो ओनली ए आर बी में ऑल बी आर ए हो जाता है, ये कॉपी में नोट कर लो,
ओनली ए आर बी में ऑल बी आर ए हो जाता है, ये अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। तो जब भी आप ओनली का डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे, ऑल बी आर ए बनाओगे, ये नोट करके लिख लो कॉपी में। बात समझ में आ रही है, हमेशा ध्यान रखो ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी को ऑल बी आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल बी आर ए का डायग्राम ये बनता है। तो ये एक ही था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, बाकी ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, ये ऑल ही होता है। सम के लिए आप जानते हो इंग्लिश यूज कर लो, फ्यू आ गया, जनरली आ गया, फ्रीक्वेंटली आ गया, मोस्ट आ गया, एक से लेकर 99 तक कोई भी नंबर यदि लिखा हुआ है, जैसे ऐसा लिख दिया आपके सामने 25% ऑफ ए आर बी, तो समझ जाओ ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सम की, ये चीज समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। या फिर एटलीस्ट बोल दे, कम से कम, तो एटलीस्ट भी सम को रिप्रेजेंट करता है और लीस्ट एटलीस्ट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। ऑल नॉट, ऑल नॉट होता है नो, ठीक है। तो 0% क्या हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, तो ऑल ए आर जब भी लिखा हो ऑल ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब साफ साफ समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, नो ए इज बी की बात कर रहा है। None, आप जानते ही हो, और कैन नेवर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नेवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नीचे समझा देता हूं किस तरीके से एग्जाम में आएगा। यदि वो लिखता है ना ऑल ए कैन नेवर बी बी, अगर वो ये लिखता है ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है नो ए इज बी। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है, नो ए इज बी, ये दिमाग में बैठा लो अच्छे से, समझ में आ गई बात। आगे आते हैं पॉसिबिलिटी के अंदर, तो पॉसिबिलिटी में आप जानते हो इंग्लिश यूज कर लो, कैन, कैन बी, मे बी, माइट बी, इफ, कैन नॉट, ये जो कैन वाले या इफ वाले या माइट वाले हैं ये सब पॉसिबिलिटी में जाते हैं, तो ये ज्यादा टिपिकल है। जो था मैंने आपको बता दिया, ऑल के अंदर ओनली इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ऑल नॉट के अंदर कैन नेवर इंपॉर्टेंट था, ये नोट कर लेना अपने हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं, क्लास को खत्म करेंगे, एक आध दो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम सिलॉग से ही कंटिन्यू करेंगे और सेकंड क्लास में हम इसे ओवर कर देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ठीक है, और अब मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या है, सम डिगर्स आर जोकर्स, इंग्लिश में मत जाओ, इसका डी पकड़ लो, इसका जे पकड़ लो, क्या बनाओगे, सम डिगर्स आर जोकर, तो सम डिगर्स आर जोकर ये हमने बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हमें, ऑल जोकर्स आर क्यूट, ये जोकर्स हैं, ये अच्छा, ये जो सेक्शन है इसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे ना, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं अलग से कि इसमें डी भी है, इसमें जे भी है, ठीक है, और ऑल जोकर्स आर क्यूट, तो सारे जोकर क्या हैं, क्यूट, तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये जोकर आ गया, डी के साथ एक्स्ट्रा कनेक्शन देना ही नहीं है, जितना बोला गया बस उतना करना है, ऑल जोकर्स आर क्यूट, ये सी लिख दिया। बात समझ में आ गई। अच्छा अब इससे एक बात समझ में आ रही होगी, सी इस वाले सेक्शन में भी है ना, इस वाले सेक्शन में सी, तो इस सेक्शन में तीनों ही लोग आ गए ना, डी, जे और सी, और कैसी फॉर्म में आए, सम की फॉर्म, तो अब देखो कितनी मदद मिलेगी हमें। कंक्लूजन चेक करते हैं, सम डिगर आर क्यूट, बिल्कुल, कौन से, इस वाले सेक्शन में, सम डिगर आर क्यूट, डेफिनेटली राइट, नो डिगर इज क्यूट, अब देखो जब सम डिगर क्यूट हो गया, अभी समझाया था आपको, जब सम डिगर क्यूट हो गया तो नो तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो गलत हो गया। और थर्ड दिया हुआ है सम डिगर आर नॉट क्यूट, सम डिगर आर नॉट क्यूट का मतलब हुआ कि कुछ डिगर क्यूट नहीं है, लेकिन क्या ये निश्चित रूप से बोलेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डायग्राम जो है ये ऐसे भी तो बन सकता है, एक ही सर्कल बना दूं, उसमें डी भी दिखा दूं, जे भी दिखा दूं, सी भी दिखा दूं। अब देखो ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, ये देखना, सम डिगर आर जोकर, बिल्कुल, इस वाले डायग्राम में जब सारे हैं तो कुछ भी है, ऑल जोकर आर क्यूट, वो भी है, तो अब इस डायग्राम के हिसाब से तो सम डिगर आर नॉट क्यूट क्या हो जाता है, गलत। इसलिए पॉसिबल डायग्राम को हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। बात समझ में आ गई। चलो फोर्थ पे आते हैं, All digger are cute. अच्छा बन गया ना, digger और cute अलग अलग थे, सम से थे, लेकिन इस डायग्राम से all digger are cute की क्या बन रही है, संभावना, लेकिन क्या हमेशा होंगे, नहीं, क्योंकि यहां तो हो रहे हैं, यहां पे
नहीं हो रहे, इसलिए ऑल डिगर आर क्यूट उसने अगर डेफिनेटली पूछा है तो क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन अगर इसके आगे वो ऐसे लिख देता ऑल डिगर आर क्यूट इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम उसको क्या कर देते, राइट, क्योंकि यहां है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अभी के लिए ये तो नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। अच्छा, इसके अंदर यदि मैं चेक करूं ओनली फर्स्ट इज फॉलो और एक मुझे दिया हुआ है थर्ड, तो देखो इसके अंदर एक ऑप्शन और लिख लेना एफ और वहां लिख देना नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। मैं आपको ऐसा क्यों करवा रहा हूं, रुक जाओ भी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ना तो थर्ड और फोर्थ में आइडर और की कंडीशन बन रही है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको ये नहीं समझा रहा, मैं इसकी पूरी कंडीशन समझाऊंगा जब मैं आपको आइदर और पढ़ाऊंगा। जब एलिमेंट कॉमन होते हैं ना और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो उनके बीच में आइदर और लगता है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा लेकिन अभी नहीं, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर क्या लगवा दिया, मैंने इसका आंसर आपको लगवा दिया नन। नहीं तो इसका आंसर होना क्या चाहिए था, डी, आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलोज, होना इसका आंसर यही चाहिए था। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको आइदर और नहीं पढ़ाया इसलिए मैं नन ऑफ दीज बोल करके आंसर बता देता हूं फर्स्ट, अदरवाइज इसका आंसर है आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलोज। बात समझ में आ गई सबको, जब हम आइदर और पढ़ेंगे तो अच्छे से इस चीज को समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती है। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे फिर सेशन को एंड करेंगे हम, बाकी काम हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। दिया हुआ है ऑल रेडियोज आर पेंसिल, बना देते हैं यहां पे चुपचाप से कि ऑल रेडियोज आर पेंसिल, बना दिए चुपचाप से। दूसरा सम पेंसिल आर फाइल, चुपचाप से बना दिया कुछ पेंसिल क्या है, फाइल। नहीं बोला है ना स्टेटमेंट ने आर और एफ का कनेक्शन, तो अभी नहीं करेंगे पर कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इधर से रख सकता है और ये इधर से रख सकता है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन क्या बोला है, नो रेडियो इज फाइल। अच्छा इसमें तो दिख रहा है ना नो रेडियो इज फाइल, लेकिन क्या हमेशा होगा, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं एक ही सर्कल में पी आर एफ तीनों हैं, तो क्या मेरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है क्या, देखना ऑल रेडियो और पेंसिल, बिल्कुल ऑल रेडियो और पेंसिल, सम पेंसिल और फाइल, बिल्कुल सम पेंसिल और फाइल। क्यों, क्योंकि सम पेंसिल और फाइल क्यों, जब सारे ही एक के अंदर है तो कुछ तो होंगे ही। इसका मतलब ये वाला डायग्राम मेरा स्टेटमेंट गलत अगर नहीं कर रहा तो हम ऑल नो रेडियो इज फाइल यहां से तो नहीं बोल सकते ना, अगर यहां से बोल पा रहे रेडियो और फाइल का नो का रिलेशन है यहां से तो नहीं है ना, इसका मतलब निश्चित रूप से तो ये सही नहीं है। हाँ अगर इसकी संभावना पूछता तो हम राइट बोल देते। दूसरा सम फाइल आर रेडियो, सम फाइल आर रेडियो, अब फिर वही बात हो गई, इस डायग्राम से नहीं दिख रहा लेकिन इस डायग्राम से तो दिख रहा है, इस डायग्राम से नहीं दिख रहा लेकिन इस डायग्राम से तो दिख रहा है ऊपर वाले से, बात समझ में आ रही है। तो उस कंडीशन में ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, इसकी क्या राइट हो जाएगी, संभावना राइट हो जाएगी। अब देखो यहां पे वापस वही कंडीशन आ गई, फिर बताऊं आपको, रेडियो फाइल, फाइल रेडियो, सम नो, इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैं धीरे धीरे आपको आइदर और की तरफ लेके चल रहा हूं थोड़ा थोड़ा बताते हुए। तो यहां पर किस चीज की कंडीशन आएगी, आइदर वन और टू की कंडीशन आएगी, ठीक है। ये मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या चीजें हम देखते हैं जब हम आइदर और के क्वेश्चन करते हैं, बात समझ में आ गई। अच्छा आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बचा हुआ सेक्शन हम कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अच्छा रेस्पॉन्स दीजिएगा। मैं जानता हूं पिछले लेक्चर में आपको बहुत कम प्रॉब्लम हुई थी, कल के लेक्चर में दिक्कत हुई थी साउंड की वजह से, टॉपिक अच्छा था लेकिन साउंड की वजह से आपको बहुत समस्या हुई थी उसे समझने में, इसलिए उसके लिए मैं फिर से एक बार आपसे सॉरी बोलता हूं। लेकिन आज आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।